पुलिस थाना भोरंज के तहत 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। 12 वर्षीय नाबालिग ने अपने घर में छत के पंखे से फंदा लगाया था। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह लड़की की दादी गौशाला में काम कर रही थी तथा पिता, जो एक सरकारी विभाग में कार्यरत है, अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। लड़की की मां की 9 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसकी 2 बहनें व 1 भाई है। उसके भाई बहन अन्य कमरे में थे तथा लड़की ने दूसरे कमरे की छत पर पंखे से फंदा लगा लिया। लड़की के पिता ने बताया कि जब दोपहर को उन्हें जानकारी मिली तो वे घर आए। घर में बेटी को जमीन पर लेटाया हुआ था। परिजन उसे भोरंज अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भोरंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेज दिया है। SP हमीरपुर अर्जित सेन ने बताया कि लड़की के आत्महत्या के कारणों की छानबीन की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पता चल पाएगा। हमको यानी थाना भोरंज में हवा देवी के में रहने वाली एक बच्ची के बारे में हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन मिली थी। जब पुलिस वहाँ मौके पे गई तो उस लड़की के गले में लिगेचर मार्क्स मिले, यानी किसी रस्सी नुमा चीज़ के मार्क्स मिले। उसके बाद हमारे DSP बड़सर भी मौके पे गए, SHO भी मौके पे थे ही। वहाँ पे हमें जो पंखे की जो कुंडी होती है जो छत पे लगती है, वहाँ से कुछ एक रस्सी हमको, चुन्नी जो है हमको मिली है। और वहाँ पे जो परिवार के लोग हैं आसपास के, छोटा एक 5 साल की बच्ची है, जो कि छोटी बहन है, और एक उसका भाई है जो 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ता है, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस लड़की को वहाँ पे फंदे से लटके हुए देखा, उसको काटा और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके आए। जब वो हॉस्पिटल में आए तो दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हमने इसमें 174 की कार्रवाई जो है अब तक शुरू की है। इसके अलावा हम पोस्टमार्टम का वेट कर रहे हैं, ये और जानकारी करने के लिए कि इसमें कोई किसी को कोई मिली भगत या कोई इस तरह का कोई क्रिमिनल एंगल ना हो। अभी तक हमारे पास कोई भी इस तरह का क्रिमिनल एंगल सामने नहीं आया है और ये प्रतीत हो रहा है कि शायद वो किसी कारणवश वहाँ कैसे गई, कोई सुसाइड नोट इस तरह का कोई मिला नहीं है। बच्ची भी छोटी है और आसपास का माहौल देख के भी ऐसा नहीं लग प्रतीत हो रहा कि वो सुसाइड करने की इच्छा से वो किया होगा उसने। पर किस तरह से ये हुआ, किस तरह से हैंगिंग हुई, इसकी छानबीन हम थोड़ा पोस्टमार्टम होने के बाद थोड़ा ज़्यादा डिटेल कर पाएंगे।